नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। मतलब पहला है केवल न्यायालय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, फिर केवल पैतृत्व विवाद में, और केवल संकटापन प्राणियों के रक्षण में। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग। अगला है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति होता है। अगला है, कमलंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, सुमेलित करना है, कूट द्वारा मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला है त्रिशूल, त्रिशूल का संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से, सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र, फिर है पृथ्वी, इसका हो जाएगा चौथे वाले से, सतह प्रक्षेपास्त्र, फिर है अग्नि, ये हो जाएगा दूसरे वाले से, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, फिर है नाग, ये हो जाएगा पहले वाले से, एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र। अगला है, हीरा कुंड पन बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, ओडिशा। अगला, संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद। अगला है, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया? ऑप्शन सी, राजराजा प्रथम। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था? तो ऑप्शन सी, डी रूज बेल्ट ने। अगला क्वेश्चन आपका है, जापान ने वर्ष 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? ऑप्शन बी, रूस। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1906 में। अगला है, वर्ष 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, सूरत फूट के नाम से। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। अगला है, अंतरिक्ष कचरे का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, लोअर अर्थ ऑर्बिट LEO। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, निम्नलिखित में से सही को चुनिए, कूट द्वारा बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सभी हैं। पहला है, परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अधीन होता है, सही है, और परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। और तीसरा है, परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग की कार्यकारी शाखा है। अगला है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसने लिखी थी? तो ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगला है, मधुशाला किसकी कृति है? ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। अगला है, चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, देवकी नंदन खत्री।
अगला है घासी राम, कोतवाल के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन आपका है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के जो लेखक हैं ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है संविधान सभा का सभापति नियुक्त किया गया था, किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है गाइस, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानसेहरा तथा शाहबाज गढ़ी शिलालेख। अगला है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? ऑप्शन सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगला है निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुई संधि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब पहला है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, और भी है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दहेज में दिए और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार में दिए। अगला है अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। अगला है सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। अगला है सभी बृहत ज्वारों में सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है? ऑप्शन बी, विषुव के साथ पूर्णिमा या अमावस्या। अगला है नील नदी के डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो नील नदी के डेल्टा को ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ओरिसिस नाम से पुकारा जाता था। सूची एक को सूची टू से सुमेलित करना है और कोड द्वारा मिलान करना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। तो पहला है अशोक, अशोक का संबंध हो जाएगा तीसरे से, मास्की गुर्जरा नेतुर एवं और क्या है उडे गोलम अभिलेख। अगला है मगध का राजा, तो इसका हो जाएगा पहले से भाभू अभिलेख। ओके, नेक्स्ट है धम्म महापात्र की नियुक्ति, इसका संबंध हो जाएगा चौथे से, पंचम बृहत अभिलेख। फिर है कलिंग युद्ध का वर्णन, इसका हो जाएगा दूसरे से, तेरहवें बृहत शिलालेख। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। अगला है मैन कैंप का लेखक कौन था? ऑप्शन ए, एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया तथा संलेखन द्वारा अपने प्राण त्याग दिए? तो ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ऑप्शन सी, जनरल डायर। अगला है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए, M.N. रॉय। अगला है भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? ऑप्शन डी, माउंटबेटन योजना। अगला है आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को बसाया था ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। अगला है निम्नलिखित में से अशोक के किस स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया था? ऑप्शन बी, मेरठ और टोपरा स्तंभ। अगला है इंड आर्क के संबंध में सत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत की अंतर्जलीय वैधशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन बी सुकुमार सेन। अगला कथन है, कारण है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है एक ही व्याख्या करता है। कारण क्या है? कथन जो कहता है मौर्य शासन केंद्र का केंद्र जो था वो बिंदु राजा था, और इसकी जो व्याख्या आर कर रहा है वो कारण है, मौर्य शासन अति केंद्रीकृत व्यवस्था थी। अगला है, किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है किसी राज्य में? तो ऑप्शन बी 6 माह। अगला है, भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? ऑप्शन डी संसद के दोनों सदन। अगला है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन डी 550। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा है? ऑप्शन बी B.N. Rao। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।